आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अरबी की बहुत ही चटपटी और मसालेदार सब्जी। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की ये अरबी मसाला की रेसिपी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें इस रेसिपी को ट्राई करने के लिए। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अरबी को छीलने के बाद काट के और अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 kg अरबी ली है जिसे मैंने छील के काट के और धोकर ले लिया है। इसे हम कई बार धोएंगे क्योंकि अरबी में बहुत ज़्यादा लस होता है जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम लेती है वॉश होने में, तो इसे आपको कई बार वॉश करना है। आप इसे अपने पसंद से भी काट सकते हैं जैसा आपको इसका शेप पसंद है। तो अब हम ले चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तो यहाँ पे कोई भी आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं 1 बड़ा चम्मच। अरबी को हम सबसे पहले फ्राई कर रहे हैं, इसकी ग्रेवी हम बाद में बनाएंगे। तो इसमें हम ये अरबी डाल देंगे वॉश की हुई और अरबी का पानी सारा निकाल दे वॉश करने के बाद। तो गरम तेल में हमने ये अरबी डाल दी और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। आपको इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है, मैक्सिमम इसमें 5 से 6 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। तो अरबी को हम इस तरह से हाथ रोक कर बीच में फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो और बीच बीच में इसे चलाते ज़रूर रहें। अरबी को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का फ्राई करना है। इस तरह से फ्राई करने से जो अरबी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच दही। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच दही डाल देते हैं और दही डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए हम और चला लेंगे ताकि जो दही है वो अच्छे से अरबी में कोट हो जाए। अगर आप इस अरबी को बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप फ्राई करने वाला प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फ्राई करके बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगी। तो अरबी हमने अच्छे से फ्राई कर ली है, दही इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है, इसे हम निकाल देते हैं एक अलग बाउल में। तो इसे हम निकाल देंगे। तो सारी अरबी हमने इस तरह से बाउल में निकाल दी, इसे हम साइड रखते हैं और अब बना लेते हैं ग्रेवी। तो सेम कढ़ाई में ही हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं लेकिन ये जो अरबी है मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती है। इसमें हम डाल देते हैं अजवाइन। तो आपको जीरा का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें हम अजवाइन डालेंगे 1 छोटा चम्मच और थोड़ी सी इसमें हींग डाल देंगे फ्लेवर के लिए। तो 2 चुटकी मैंने इसमें हींग डाल दिया और इनको हम कुछ सेकेंड के लिए फ्राई हो जाने देते हैं। जैसे ही ये कैरम सीड्स हल्की सी क्रैकल होगी इसमें हम मसाला डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच आपको अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेना है। पेस्ट आप यहाँ पे फ्रेश इस्तेमाल करें। पेस्ट को हम पहले क्या करते हैं, भून लेते हैं हल्का सा। तो तेल काफ़ी गर्म है, कुछ ही सेकेंड में ये भून जाएगा और जैसे ही इसका कच्चापन निकल जाएगा हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने पीस लिया है और इसका पेस्ट ही तैयार करेंगे। पेस्ट को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो 1-2 मिनट के लिए इसे हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो निकल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज ने जो है ऑयल को रिलीज़ कर दिया है, प्याज अच्छे से भुन गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पे 1 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने पीस लिया है। सारे ये जो पेस्ट है हम अलग अलग ही रेडी करेंगे, तभी हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेते हैं, जब तक इनका ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक आप इसे चलाते हुए भून लें। आपको अभी पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, इसे ऐसे ही फ्राई करना है। जैसे ही टमाटर डालने के बाद इसका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा फिर हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे यहाँ पर जीरा पाउडर और 1 ही छोटा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप अदरक के पाउडर को स्किप कर सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद तुरंत इन्हें हम स्टर कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसे आप भून लेंगे मसाला में तुरंत ही इसका जो कलर है वो आ जाएगा, ये देखिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो 1/2 कप जितना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, पहले मैंने थोड़ा पानी डाला, इसको पहले हम चला देते हैं। मसाला काफ़ी सारा है तो पानी हमें थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देते हैं क्योंकि मसाला थिक हो गया है। तो टोटल मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है मसाला को भूनने में। इसे हम चला देते हैं और आपको इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। आप चाहें तो इसे ढक भी सकते हैं लेकिन मैं इसे ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ, बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, हम इसमें डाल देते हैं फ्राई की हुई अरबी और साथ ही में इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ नाप कर। ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये जो अरबी है थिक बना रही हूँ यानी थिक कंसिस्टेंसी की ग्रेवी रख रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा पतला भी रख सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अगर आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसमें 3 ग्लास पानी डालें। अच्छे से मिला देने के बाद इसे हम कवर कर देते हैं। तो इसे कवर कर दें और 10 से 12 मिनट के लिए इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पक जाने देंगे। टोटल यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी जो अरबी है अच्छे से रेडी हो गई है। एक बार इसे चला देते हैं पहले, और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है, एकदम थिक मसालेदार कंसिस्टेंसी आई है इसकी। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नींबू को निचोड़ रही हूँ। लगभग मैंने 1/2 छोटा चम्मच इसमें नींबू का रस डाल दिया है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसे हम मिला देते हैं अच्छे से, और ये देखिए जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी थिक और हो जाएगी। और अरबी यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट है, आप चाहें तो इस टाइम पर चेक कर सकते हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं क्योंकि हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये लीजिए हमारी एकदम मसालेदार चटपटी और रसीली अरबी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें, साथ के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये अरबी रोटी पराठा के साथ बहुत अच्छी लगती है, इनफैक्ट ये पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।